So students, today we are going to learn about new lesson. So first of all, I will show you some images. Okay, you have to find out what is that. So here, can you see? This is a daily routine work, right? So daily routine work that we do, that is from the time to wake up till we go back to sleep, right? Daily routine में क्या होता है? लेके शाम रात तक हम जो भी रूटीन्स करते जो भी वर्क करते हैं उसे हम डेली रूटीन बोलते हैं, राइट? सो वेक अप, यू गो टू टॉयलेट, ब्रश योर टीथ, टेक योर बाथ, राइट, हैव योर ब्रेकफास्ट, अटेंड योर लेक्चर्स और गो टू स्कूल. जब आप आपका ऑफलाइन स्कूल चालू था तब आप स्कूल जाते थे, अभी आप क्या करते हो? ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो. डू योर होमवर्क, गो टू प्ले, डू योर लंच, राइट? So this all are the coming in the daily routine work. But students, so do you know, come to know how about what you have to do? हमें कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है? My voice is breaking. Okay students, so हमें कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है किस टाइम पे? How do you know, come to know about what you have to do? Yes, we know with the help of time, right? हमें किससे पता चलता है? टाइम से पता चलता है. एंड चिल्ड्रन, हाउ डू यू कम टू नो टाइम? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, राइट? हमें कैसे पता चलता है टाइम? क्लॉक की हेल्प से. हम क्या करते हैं? क्लॉक देखते हैं या वॉच देखते हैं, उसे देख के हमें पता चलता है कि हमें किस टाइम पे क्या करना है, राइट? किस टाइम पे हमें ब्रश करना है, किस टाइम पे हमें बात करना है, किस टाइम पे हमें ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम पे हमें लेक्चर्स अटेंड करने हैं, किस टाइम पे हमें होमवर्क करना है, राइट? ये सारे जो भी डेली रूटीन से हम किसके हेल्प से करते हैं? टाइम, विद द हेल्प ऑफ टाइम. एंड हाउ डू यू कम टू नो टाइम? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरिंग टाइम. कैसे हम टाइम देख सकते हैं? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ऑल ऑफ यू प्लीज बी अटेंटिव हियर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्लॉक. सबने देखा होगा क्लॉक, आई होप. एंड आपने ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है कि किस तरह से हम क्लॉक को देखते हैं. बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बेसिक थिंग्स ऑफ क्लॉक, देन आई विल एक्सप्लेन एडवांस थिंग. ओके, सो इन क्लॉक देयर इज 12 नंबर्स, देयर इज 12 सेक्शन. हाउ मेनी सेक्शन? 12 सेक्शन होते हैं, फ्रॉम 1 to 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 sections in clock, right? Yes, we can use mobile phones also for measuring time, but this is a basic instrument for measuring time, clock. So in clock there are 12 sections from 1 to 12. 12 in one day there are how many hours? 24 hours. 24 hours hote, but in clock there are 12 sections. And you can observe that in each section, suppose here from 12 to 1, there are 5 subsections. Usme aur 5 sections hote hain. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 12 से 1 के बीच में आप देख सकते हो उसमें और छोटे छोटे 5 sections होते. ये क्या होते हैं? This is a for minutes. Minutes बताने के लिए होते हैं. So in clock there are two main things, hour and minutes. Here you can see that this is a hour hand. जो short hand होता है वो क्या होता है? Hour hand होता है. For hour hand, ये जो short hand है वो क्या होता है? Hour hand होता है. In clock there are two hands, hour hand and minutes hand and also second hands. But second hands अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ टू हैंड्स के बारे में पढ़ना है, आर हैंड एंड मिनट्स हैंड. तो जो शॉर्ट हैंड होता है वो होता है आर हैंड, एंड जो लॉन्ग होता है थोड़ा सा वो क्या होता है? मिनट हैंड होता है. देयर आर टू हैंड्स, आर हैंड एंड मिनट्स हैंड. आपको कैसे पता चलेगा? जो शॉर्ट होगा वो आर हैंड होगा, जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा वो क्या होगा? मिनट्स हैंड होगा. ठीक है, इतना क्लियर है? यस. सो स्टूडेंट्स, 12 sections होते हैं clock में, in each section divided by 5 sections. ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलेगा? अभी suppose this is our hand, जो our hand है वो कौन से number पे है? 10 number पे है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? टाइमिंग क्या हो रहा है? 10 o'clock हो रहा है, 10 o'clock, राइट? बट अभी
इसको मिनट हैंड को स्कीप करना है आपको, मिनट हैंड को नहीं, सिर्फ आपको आर हैंड को देखना है। तो अगर आर हैंड 10 पे है तो हम बोलेंगे 10 o'clock, 10 o'clock हो रहा है टाइम। अगर आर हैंड 7 पे होगा तो हम बोलेंगे 7 o'clock हो रहा है टाइम, ठीक है। सिमिलरली जो मिनट हैंड होता है उसे कैसे मेजर करते हैं, जो मिनट हैंड होता है उसे कैसे हमें मेजर करना है। सो फॉर मिनट हैंड इट इज अ वेरी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्लीज स्टैंड केयरफुली, बी अटेंटिव हियर। सो सी हियर, हियर इज 5 सेक्शन, ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 सब सेक्शन, सो 1 2 3 4 5। तो जब ये जो हमारा मिनट हैंड अगर 1 पे आएगा तो हम बोलेंगे 5 मिनट, 2 पे आएगा तो बोलेंगे 10 मिनट, 3 पे आएगा तो हम बोलेंगे 15 मिनट्स, 4 पे आएगा तो 20। व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 5 5 मोर एंड मोर, ठीक है। हर नंबर्स के बाद हमें 5 को ऐड करना है, तो हेयर इज 5, हेयर इज 10, हेयर इज 15, हेयर इज 20, आफ्टर 20 25। और यू कैन ऑल्सो यूज योर 5 अ मल्टीप्लीकेशन टेबल, जो 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो 5 10 15 20 25, आफ्टर 25 देयर इज 30 35। इफ योर मिनट हैंड, अगर आपका जो मिनट हैंड है वो 7 पे आता है तो हम क्या बोलेंगे, 35 मिनट्स हो रहे हैं। इफ आपका मिनट हैंड 8 पे आता है तो हम बोलेंगे 40 मिनट्स हो रहे हैं, 40 देन 45 देन 50 देन 55। ये क्लॉक में मेंशन नहीं होता है, मिनट्स हैंड का जो नंबरिंग होता है वो क्लॉक में मेंशन नहीं होता है, हमें खुद से हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि मिनट हैंड अगर 1 पे आता है तो 5 मिनट्स होंगे, कितने मिनट्स होंगे, 5 मिनट्स होंगे। अगर 2 पे आता है तो 10 मिनट्स होंगे, 3 पे है तो 15 मिनट्स, 4 पे है तो 20 मिनट्स, 5 पे है तो 25 मिनट्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर होता है। एंड 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे होता है, ठीक है। हमारा 1 डे कितने आवर का होता है, 24 आवर्स का होता है। एंड ईच आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो जब हमारा मिनट हैंड फ्रॉम 12 टू पूरा यहाँ से 12 तक कंप्लीट करता है हमारा मिनट हैंड, तो हम बोलते हैं कि कितने 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, 60 मिनट्स इज इक्वल टू, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस बेसिंग थी, दिस इज अ वेरी बेसिंग जो आपने ऑलरेडी 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है। Now next is here clock. Now in this clock there are 2 hands, minute hand and hour hands. Okay. So first of all, student tell me, जो minute hour hand है वो किस numbers पे mention किया गया है clock में? Prajwal Mishra, unmute yourself. Yes, teacher. Yes, Prajwal Mishra, tell me hour hand किस नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है? यस आर हैंड, यस। इन दोनों में से आर हैंड कौन सा है एंड मिनट हैंड कौन सा है, टेल मी विच इज द आर हैंड विच इज द मिनट हैंड। ठीक है, आर आर एंड इज 12 एंड मिनट एंड इज 10। नो डियर, नो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, जो शॉर्ट हैंड होता है वो क्या होता है, हमारा आर हैंड होता है। जो शॉर्ट हैंड होता है, जो आपको छोटा सा हैंड दिखाई देता है, छोटी वाली जो सुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर हैंड बोलते हैं, ठीक है। सो हेयर आर हैंड इज ऑन 10 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12। अंडरस्टूड प्रज्वल? यस यस। सो यहाँ पर टेल मी टाइम क्या हो रहा है अभी? टेन टेन।
आपको सिर्फ 10 नहीं बोलना है, आपको बोलना है 10 o'clock, जब भी प्रॉपर टाइमिंग 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली 1 बज रहे हैं या फिर 2 हो रहे हैं या फिर एग्जैक्टली 3 हो रहे हैं तो हम क्या मेंशन करते हैं, ओ क्लॉक। सो यहाँ पर 10 है तो 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock। ये ठीक अगर 11 पे होता तो 11 o'clock, 12 पे होता 12 o'clock, 1 पे होता तो 1 o'clock। ओके, सो इस तरह से हमें क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, म्यूट योर सेल्फ। नाउ शास्ता, अनम्यूट योर सेल्फ। शास्ता, यस टीचर, यस टीचर, बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था। मॉर्निंग टीचर, यस, गुड मॉर्निंग रितु, टेल मी व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक। 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, वेरी गुड। एंड हाउ डू यू नो, कैसे पता चला आपको, कैसे फाइंड आउट किया कि 3 o'clock हो रहे हैं? Short hour is 3 and big hour is, minute is 12. Minute is 12, yes, very good, right. So time is 3 o'clock. 3 o'clock. Yes, mute yourself. Now, अभी हमने जो exactly time होता है वो तो measure करना देखी है, now It 250. is about minutes time. Minutes time कैसे read करना है वो देखेंगे हम, ठीक है? So here is 1 o'clock and here is 2 hands, hour hand and minute. How do we see properly? So our time is 250. Yes, mute yourself please. So students, other students please pay attention here. So जो our hand है, Our hand is between to 1 or 2. Our hand is between to 1 or 2. 1 and 2 ke beech mein hai our hand. Now see, minute hand. Minute hand is on the 10th number. Theek hai, 10th number. Theek hai, toh hum aisa nahi bolenge ki 1 baj ke 10 minute ho raha hai. No, this will be wrong. Ye wrong ho. Kaise find out karenge? Already I explained you ki jo 5 sections hote hain. सेक्शंस को कैसे रीड करना है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से रीड करना है। तो हेयर इज, यहाँ पर 5 होता है, हेयर इज 10, हेयर इज 15, हेयर इज 20, हेयर इज 25 एंड हेयर इज 30, ठीक है, हेयर इज 35, हेयर इज 40, 45, हेयर इज 50। तो यहाँ पर क्या है, 50। तो हाउ वी विल टाइम, कैसे लिखेंगे हम टाइम, 50 minutes, 50 minutes। अभी जो मिनट हैंड है वो किस पे है, 10 पे है, 10, 50 minutes, 50 minutes past। अभी यहाँ पर जो आर हैंड है वो 1 और 2 के बीच में है, तो past हम 1 करेंगे या 2 करेंगे, तो जो पहले वाला नंबर होता है 1 उस पे हम करेंगे, तो पास्ट क्या है, 1। तो हमारा टाइम हम किस तरह से लिखेंगे, 50 minutes past 1। इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन टाइम, ओके। एंड एक शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताऊंगी मिनट्स हैंड के लिए, थोड़ा जिनको कंफ्यूजन होगा वो क्या कर सकते हैं, देखिए,